हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 32nd क्लास है जी, PYQs डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। 321st क्वेश्चन, प्योर रिसर्च इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, फैक्चुअल एस्पेक्ट या फिर सोशल एस्पेक्ट। तो देखिए, प्योर रिसर्च में हम यूजुअली बेसिक रिसर्च बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड में तो हम एप्लीकेशन पार्ट करके देख रहे हैं, बेसिक रिसर्च में हम थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हो सकता है कई जगह आपको फैक्चुअल भी मिल जाए, बट कई बार फैक्ट्स मतलब प्रेजेंट नहीं कर रहे होते आप, सो वो फैक्ट या थ्योरेटिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। सो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम अप्लाइड में देखते हैं। सो बी आंसर हो सकता है, बट हो सकता है फैक्चुअल भी हो इसका आंसर, क्योंकि फैक्चुअल में आप फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं और फैक्ट्स भी एक तरीके से थ्योरेटिकल ही होंगे, राइट? सो फैक्चुअल भी हो सकता है जी इसका आंसर। तो इसलिए इन दोनों में से आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी वेदर डिस्कवरी लर्निंग प्रोसीजर हैज एन इम्पैक्ट ऑन द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। सो डिस्कवरी लर्निंग प्रोसीजर का इम्पैक्ट हम मोटिवेशन पे देखना चाह रहे हैं। सो ये बोल रहे हैं कि मोटिवेशन जो वेरिएबल है वो क्या है, इंटरवीनिंग है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या एक्सट्रीनियस है। सो ये क्या हो गया जी, डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरीके से ये होगा। ओके, इन लेबलिंग रिसर्च वेरिएबल, जब आप रिसर्च वेरिएबल्स को लेबल कर रहे हैं, सो जो डेजिग्नेट आप करते हैं उसको, जैसे हम X1, X2 इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं, सो वन एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च में, तो वो आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट होंगे, समटाइम्स आइडेंटिकल, समटाइम्स डिफरेंट, तो हम डिफरेंटली उनको डेजिग्नेट करते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वेरिएबल क्या है, राइट? तो वो डिफरेंट आएगा जी डेजिग्नेशन इनका। ओके, इन विच रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी। तो सैम्पलिंग की जरूरत हमें बहुत कम पड़ेगी, अगर हम ना भी करें तो भी चलेगा। सो कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, केस स्टडी, कोरिलेशनल। कोरिलेशन में तो हम कोरिलेशन देख रहे हैं, सैम्पलिंग की जरूरत पड़ेगी कि किस किस ग्रुप में आप कोरिलेशन देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल में भी हमें सैम्पलिंग करनी होती है, हम जिस पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में भी होती है सैम्पलिंग। सो केस स्टडी जो है उसमें आप पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसमें सैम्पलिंग की जरूरत बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो। ओके, रिसर्च फॉर एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ थियरी और लॉ फॉर्मुलेटेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन एजुकेशन के फील्ड में है या कोई थियरी है उसकी एप्लीकेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, यानी एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं आप। ओके, द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस टू ईच यूनिट वाइल बींग सिलेक्टेड इन अ सैम्पल। तो जब आप सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पल में सिलेक्ट करने के लिए हर एक यूनिट के पास इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस है, यानी ये वैसे वाला हो गया 40 बच्चों की चिट हमने यहाँ डाल दी और हम चिट निकाल रहे, तो 40 के 40 में से किसी की भी आ सकती है, सबकी प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो ये रैंडम सैम्पलिंग होगी जी। फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स द बेटर रिसर्च टूल। जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं सो उस टाइम पे क्या चीज बेटर हो सकती है, मतलब आप कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट। देखिए, यहाँ 5 स्टेट्स को हमने अलग अलग स्टेट्स को इंक्लूड किया। जब भी कोई लार्ज नंबर ऑफ डाटा या अलग अलग जगह से हमें चीजें कलेक्ट करनी होती है तो हम क्वेश्चनेयर पे थोड़ा सा ज्यादा जो है रिसर्च टूल की तरह उसको यूज करते हैं यूजुअली, या मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो हम क्वेश्चनेयर को ही यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में। Association among variables in a scientific study is indicated quantitatively as. So quantitatively आप किसी भी वो होता है ना association variables के बीच में, यानी variables के बीच आप relationship show कर रहे हैं, so वो आप कैसे दिखाते हैं, वो आप coefficient से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे coefficient of Pearson या coefficient, हम कोई भी जब भी हम magnitude में उसको convert करते हैं so coefficient जो है वो हम use करते हैं उसका। Which of the following research tool or technique will be appropriate for an in-depth understanding of cultural and social aspect of a tribe? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एथनोग्राफी यूज करते हैं और हम वहां जाते हैं, वहां रहते हैं और फिर हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं। सो वो क्या हो गया, क्वेश्चनेयर तो नहीं है, हम वहां जा रहे हैं, रह रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो। ठीक है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक मैंने आपको करवा रखी है, आप मुझे सोशियोमेट्रिक की डेफिनेशन जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, सो आंसर रहेगा जी आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
For conducting a large survey to know the opinion of teachers regarding higher education, say higher secondary education, which tool will be most appropriate? तो देखिए लार्ज नंबर पे बात हो गई, आप सर्वे की बात कर रहे हैं, सो क्वेश्चनेयर बेटर है क्योंकि आप सबका इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, ऑब्जर्वेशन के लिए भी आपको अलग अलग जगह जाना पड़ सकता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक भी यहाँ काम नहीं कर पाएगी, सो क्वेश्चनेयर जो है वो इसका आंसर बेटर रहेगा। ठीक है जी, सो आई होप आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।